हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक इन माय चैनल। आज के वीडियो में हम इस डिज़ाइनर कोट कॉलर मिडी ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने 1 मीटर फैब्रिक लिया है। इसकी विड्थ ज़्यादा है इसलिए मैंने 1 मीटर लिया है। अगर आप नॉर्मल विड्थ का कपड़ा लेते हैं तो आप 1.5 मीटर कपड़ा यूज करें। तो मैं इसे नाप के दिखा देती हूँ। ये इसकी जो विड्थ है, ये देखिए, ये डबल में लगभग 28 इंच है, यानी इसकी जो टोटल विड्थ है वो 56 इंच की है। और ये 1 मीटर फैब्रिक है तो इसे हम 2 पार्ट में बनाएंगे, टॉप और बॉटम के। तो सबसे पहले टॉप का पार्ट कट करेंगे। तो मैंने विड्थ में कपड़े को 4 फोल्ड करके रखा है। अभी हम टॉप पार्ट की लेंथ मार्क करेंगे। तो जितनी भी तैयार टॉप पार्ट की लेंथ चाहिए उसे 1 इंच एक्स्ट्रा मार्क करेंगे। तो यहाँ पे मैं 14 इंच की मुझे तैयार चाहिए, मैं 15 इंच मार्क करूँगी 1 इंच एक्स्ट्रा। तो यहाँ मैंने 15 इंच मार्क किया, इस तरह से मार्क कर लेंगे। और यहां से हम इसे कट कर लेंगे। और इसके बाद हम इसे इस तरह से 2 फोल्ड करके रखेंगे। ये बैक का पार्ट होगा तो जिस भी चेस्ट साइज़ का बना रहे हैं उसका 1/4 लीजिए और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लीजिए। तो मैं इसे 34 चेस्ट साइज़ का बना रही हूँ, उसका 1/4 होता है 8.5 इंच, प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा। टोटल मैं इसे 10.5 इंच तक डबल फोल्ड करके रखूँगी और इसे कट कर लूँगी। इस तरह से मैंने कट कर लिया, ये बैक का पार्ट होगा। फ्रंट पार्ट के लिए फिर से इसे इसी तरह से 2 फोल्ड करेंगे। और यहाँ पर जो फ्रंट का पार्ट है हम 1 इंच बढ़ा के लेंगे, इस तरह से देखिए 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे बैक वाले पार्ट से। इस तरह से देखिए मैंने लगभग 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। और इसके बाद यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे। तो ये हमारे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स के लिए हमने इसे 4 फोल्ड में ले लिया है। इसके बाद हम यहाँ पे शोल्डर मार्क करेंगे। तो जितने भी आप नॉर्मल शोल्डर मार्क करते हैं उसे 1 इंच हमें एक्स्ट्रा मार्क करनी है, क्योंकि मैं इसमें कोट कॉलर बना रही हूँ तो कोट कॉलर में हम शोल्डर लगभग 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं। तो मैंने 7.5 इंच ले लिया है। अब यहाँ से आर्म होल मार्क करेंगे। तो आर्म होल के लिए मैं 7 इंच मार्क कर रही हूँ। दोनों पॉइंट्स को मिला लेंगे एक स्ट्रेट लाइन बना के, इस तरह से। और इसके बाद हम चेस्ट मार्क कर लेंगे। तो चेस्ट का 1/4 प्लस 2 इंच ले लेंगे। तो मैं यहाँ पर मार्क कर लेती हूँ 10.5 इंच 34 चेस्ट साइज के लिए। इसके बाद आर्म होल का हाफ मार्क कर लेंगे यहाँ पे और इसे हम गोलाई देंगे, यहाँ तक गोलाई देंगे इसे। और इसके बाद हम इसकी वेस्ट मार्क करेंगे। तो मैं इसे 28 वेस्ट साइज़ का बना रही हूँ, उसका 1/4 होता है 7 इंच और 2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्क कर लेंगे। टोटल मैंने 9 इंच मार्क किया है। इस तरह से मिला लेंगे ऊपर तक। इसके बाद यहाँ पर हम हल्की सी गोलाई देंगे हाफ इंच से, इस तरह से। और इसके बाद हम इसकी नेक मार्क करेंगे। तो नेक की विड्थ मैं इसमें 3 इंच मार्क कर रही हूँ, मैं इसमें कोट कॉलर बनाऊंगी। तो बैक के लिए नेक मैं 1/2 इंच और फ्रंट के लिए मैं 3 इंच मार्क कर रही हूँ। इस तरह से दोनों में हम इसे राउंड शेप देंगे। तो अभी हम पहले यहाँ पे देखिए स्लोप देंगे शोल्डर पे। तो 1 इंच की मैंने स्लोप दी है, नॉर्मली हम 1/2 इंच की देते हैं, कोट कॉलर में हम 1/2 इंच ज़्यादा लेते हैं। तो इस तरह से मार्क करने के बाद हम इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने कट कर लिया है। अभी बैक का पार्ट इसमें से हटा लेंगे। ये मैंने बैक का पार्ट हटा लिया और फ्रंट पार्ट की हम यहाँ पे नेक मार्क कर लेंगे इस तरह से। और इसके बाद इसकी नेक हम कट कर लेंगे और इसके बाद सेंटर से। और इसके बाद यहाँ पे आर्म होल भी हम मार्क कर लेते हैं और इसे कट कर लेंगे।
इसके बाद हम इसे सेंटर से कट करके दोनों पार्ट्स को अलग कर लेंगे इस तरह से। मैंने इसे सेंटर से कट कर लिया है। इसके बाद हम इसमें स्ट्रिप अटैच करेंगे। तो ये मैंने स्ट्रिप ले ली है दोनों साइड्स के लिए। लेंथ इसकी इसी के बराबर है टॉप पार्ट के। विड्थ इसकी मैंने 5.5 इंच ली हुई है। और अभी इस तरह से रखेंगे, सीधी साइड अंदर की साइड है स्ट्रिप की, इस तरह से मिला के रखेंगे और इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है यहाँ तक। उसके बाद इसकी हम नेक कट कर लेंगे, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है स्ट्रिप में, इस तरह से दोनों साइड्स की नेक हम इसी तरह से कट कर लेंगे। इस तरह से मैंने कट कर लिया है। ये अंदर की साइड फोल्ड होगी, तो अभी हम इसे बाद में फोल्ड करेंगे। अभी हम इसके शोल्डर्स अटैच कर लेंगे फ्रंट और बैक पार्ट के। तो इस तरह से रखना है और हमें शोल्डर पे सिलाई लगानी है। जो हमने स्ट्रिप अटैच की है उसे हम इसके साथ अटैच नहीं करेंगे शोल्डर के, इसका ध्यान रखना है। तो स्ट्रिप को हटा देते हैं और यहाँ से इसके शोल्डर पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने शोल्डर पे सिलाई लगा ली है। और इसके बाद यहाँ से हम एक मार्क करेंगे 2.5 इंच पे। यहाँ मैंने मार्क किया। दूसरी साइड भी हम 2.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। और इसके बाद हम इसकी कॉलर नाप लेते हैं। तो जो 2.5 इंच हमने मार्क किया था उसे छोड़ देंगे और उसके बाद हम कॉलर इसकी नापेंगे। तो यहाँ से हम पकड़ते हुए बिल्कुल बराबर से इसे नाप लेंगे। तो ये 6.5 इंच आ रही है, इसका हम डबल कर लेंगे तो ये 13 इंच आ रही है। 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे कॉलर में और उसके बाद हम इसे कट करेंगे। तो इससे पहले हम इसका बॉटम कट कर लेते हैं। तो कपड़े को हम फोर फोल्ड में रखेंगे, जितना भी बचा हुआ फैब्रिक है। इस तरह से मैंने फोर फोल्ड में रख लिया है। अभी टॉप पार्ट रखेंगे ऊपर की साइड इस तरह से फोल्ड करते हुए। और सबसे पहले हम इसकी टोटल लेंथ मार्क कर लेते हैं। तो इस तरह से रखेंगे और ऊपर से हम इसकी लेंथ मार्क करेंगे। तो जितनी भी तैयार लेंथ चाहिए उसे 2 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। मुझे 34 की तैयार चाहिए, मैं 2 इंच एक्स्ट्रा 36 इंच पे मार्क कर रही हूँ। इस तरह से मैंने मार्क किया 36 पे। यहाँ से ये देखिए 22 इंच की इसकी लेंथ आ रही है लगभग। तो 22 इंच पे हम मार्क कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। तो यहाँ एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट करके निकाल लेंगे इस तरह से। मैंने कट कर लिया है और अभी हम इसमें इसकी वेस्ट मार्क कर लेंगे। तो टॉप पार्ट को इस तरह से बन साइड की तरह बन साइड मिला के रखना ही है। तो अभी सेंटर से हम इसे कट कर लेते हैं कपड़े को, ताकि फ्रंट और बैक के पार्ट अलग अलग हो जाएं। जो फ्रंट का पार्ट है वो हम ओपन रखेंगे, इसलिए फ्रंट का पार्ट हम हाफ इंच एक्स्ट्रा रखेंगे इस तरह से टू फोल्ड करके रखेंगे। और बैक का पार्ट इसके ऊपर देखिए इस तरह से रखना है, नीचे वाला पार्ट हाफ इंच बढ़ा के रखेंगे और टॉप पार्ट इसके ऊपर मिला के रखेंगे बैक साइड से। और यहाँ पे वेस्ट हम मार्क कर लेंगे, वेस्ट पे निशान मैंने बना लिया। अब इसे हम क्रॉस में नीचे तक मिला लेंगे इस तरह से, क्रॉस में मिला लेंगे। यहाँ से देखिए और यहाँ से हम इसे गोलाई देंगे हल्की सी। तो यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं 2.5 इंच और इसे गोलाई देंगे। इसके बाद हम इसे कट कर लेंगे इस तरह से। मैंने इसे कट कर लिया है। ये फ्रंट का पार्ट है, इसे हम सेंटर से कट करके अलग कर लेंगे दोनों पार्ट्स को इस तरह से। बॉटम की कटिंग हमने कर ली है। अभी हम इसकी कॉलर कट करेंगे। तो ये मैंने बुकरम ले लिया है, 14 इंच की लेंथ है जो हमने नापी थी कॉलर के लिए। इसे इस तरह से डबल फोल्ड करके रखेंगे
और यहाँ पे हम एक मार्क करेंगे 4 इंच पे, कॉलर की चौड़ाई हम 4 इंच रखेंगे। तो हम यहाँ पे 4 इंच मार्क कर लेते हैं, इस तरह से मार्क किया, एक्स्ट्रा जो है निशान लगा लेंगे। और इसके बाद जो इसकी ओपन वाली साइड है वहाँ से हम इसे हल्की सी गोलाई देंगे। तो यहाँ पे एक मार्क कर लेते हैं हम 4.5 इंच पे, इस तरह से। यहाँ से हम इसे हल्की सी गोलाई देंगे, बहुत हल्की सी, लगभग 1/2 इंच यहाँ ली है मैंने। और इसके बाद इसे हम कट कर लेंगे, इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया है। और इसके बाद हम इसे कपड़े पे पेस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसे कपड़े पे पेस्ट कर लिया, ये मैंने डबल में कपड़ा लिया है, सीधी साइड अंदर की साइड है। अभी हम यहाँ से इसे सिलाई लगा लेंगे, इसमें तीनों साइड से नीचे से ओपन रखेंगे। तो इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है, नीचे से देखिए ओपन रखा है, इसे सीधी साइड में टर्न कर लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से मैंने सीधी साइड में टर्न कर लिया। अभी इसमें सेंटर पे हम एक निशान बना लेंगे इस तरह से, और इसके बाद हम इसे अटैच करेंगे नेक में। तो इसका भी हम सेंटर मार्क कर लेंगे, और सेंटर से देखिए इस तरह से रखते हुए हम इसे इसमें अटैच करना है। इसकी एक लेयर पकड़ते हुए हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो अभी हम पिन से फिक्स कर लेते हैं, यहाँ से देखिए एक लेयर पकड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। और उसके बाद यहाँ से देखिए हम इसे लगभग 2 इंच ओपन रखेंगे। तो यहाँ पे यहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे, ये हिस्सा भी हम ओपन रखेंगे। इसी तरह से दूसरी साइड भी यहाँ तक सिलाई लगाएंगे और लगभग 2 इंच यहाँ 2 इंच मार्क कर लेंगे। यहाँ तक हम इसे अभी ओपन रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ तक देखिए हम सिलाई लगाएंगे, लगभग 2 इंच अभी हम छोड़ देंगे। यहाँ तक हमने सिलाई लगा ली है। अभी यहाँ से देखिए हम दोनों लेयर्स को पकड़ते हुए सिलाई लगाएंगे, जो हमने 2 इंच छोड़ दिया था वहाँ तक हम दोनों को पकड़ते हुए यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से दूसरी साइड भी जो हमने छोड़ दिया था वहाँ तक हम दोनों लेयर्स को पकड़ते हुए यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। इस तरह से देखिए दूसरी साइड भी इसी तरह से पकड़ते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। और इसके बाद ये जो स्ट्रिप हमने अटैच की थी उसमें भी हम सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। देखिए यहाँ तक हमें सिलाई लगा लेनी है, जो हमने 2.5 इंच मार्क किया था वहाँ तक। और उसके बाद यहाँ हम 1/2 इंच फोल्ड करेंगे और यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद इसे हम अंदर की साइड टर्न कर लेंगे स्ट्रिप को, तो ये इस तरह से आएगी कॉलर इसकी। इसी तरह से दूसरी साइड भी देखिए इस तरह से पकड़ते हुए इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ तक हम सिलाई लगा लेंगे और इसमें भी टर्न कर लेंगे हम सीधी साइड में, कॉर्नर इसके अच्छे से निकाल लेंगे।
इस तरह से देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। और इसके बाद स्ट्रिप को हाफ इंच इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ से ये कपड़े को अंदर की साइड रखते हुए इस पर फाइनल स्टिच लगा लेंगे। इस तरह से फोल्ड करना है और इसमें सिलाई लगा लेनी है। स्ट्रिप को भी अंदर की साइड फोल्ड करना है इस तरह से और इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसकी कॉलर तैयार कर ली है ये। और इसके बाद यहाँ से हम इसके आर्म होल में ये मैंने क्रॉस स्ट्रिप ले ली है। इस तरह से टू फोल्ड करते हुए इसे रखेंगे और पूरी गोलाई में इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद इसे अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने तैयार कर ली है इसकी आर्म होल्स दोनों साइड से। और इसके बाद हम इसका बॉटम तैयार करेंगे। तो ये फ्रंट का पार्ट मैंने ले लिया है। फ्रंट के पार्ट में हम स्ट्रिप अटैच करेंगे। तो ये मैंने दोनों साइड्स के लिए ये स्ट्रिप ले ली है। इसमें इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड से। स्ट्रिप की विड्थ मैंने 3.5 इंच ले ली है। तो मैंने स्ट्रिप में सिलाई लगा ली है। अभी जो राइट साइड की स्ट्रिप है उसको बिल्कुल अंदर की साइड रखना है और सिलाई लगा लेनी है। और लेफ्ट साइड की स्ट्रिप को इस तरह से रखना है और इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से मैंने स्ट्रिप में सिलाई लगा ली है। अभी लेफ्ट साइड के ऊपर राइट साइड का पार्ट रखेंगे इस तरह से। और इसमें टॉप पार्ट अटैच करनी है हमें। तो इस तरह से मिला के रखना है। सेंटर का ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम मिला के रखेंगे। लेफ्ट साइड के ऊपर राइट साइड का पार्ट आएगा। इस तरह से चढ़ा के रखना है। यहाँ भी हम इसे पिन से फिक्स कर लेते हैं इस तरह से। और उसके बाद इस तरह से पकड़ते हुए हम टॉप और बॉटम को सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। बैक का पार्ट भी इसी तरह से हमें अटैच कर लेना है। दोनों सीधी साइड एक साथ रखनी है और इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से मैंने टॉप और बॉटम को अटैच कर लिया है। अभी हम इसके फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो हम इसे पलट के उल्टे साइड से रख लेते हैं। इस तरह से रख लेंगे और इसमें फिटिंग के निशान हम मार्क कर लेंगे। यहाँ पे हम चेस्ट का सेंटर पॉइंट मार्क कर लेंगे इस तरह से। और सेंटर से एक साइड हमें चेस्ट का 1/4 मार्क कर लेना है। वेस्ट का भी 1/4 मार्क कर लेना है। इस तरह से मिला लेंगे। दूसरी साइड भी चेस्ट और वेस्ट दोनों का 1/4 मार्क कर लेना है। और नीचे तक इसमें सिलाई लगा लेनी है। नीचे से भी इसे डबल फोल्ड करके हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अभी यहाँ नेक में हमें बटन अटैच करनी है। तो 8 इंच हम यहाँ पे मार्क करेंगे। यहाँ पे हम ये बटन्स अटैच करेंगे इस तरह से। इस तरह से मैंने बटन्स अटैच कर ली हैं। कुर्ती बनके तैयार है। इसमें मैंने ये फैब्रिक बेल्ट भी अटैच कर ली है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।